लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद में कहीं खुशी है तो कहीं गम है। हमारे बीच में मीनाक्षी वशिष्ठ जी हैं, जो कि वेलकम वार्ड की बात करें तो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। मैडम, क्या शुभकामना, क्या बधाई देना चाहेंगे दिल्ली में सातों सीट? पहले तो जय श्री राम, दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई, जिसके कारण हम दिल्ली की जनता की ही मेहनत और उनकी कर्मठता के कारण ही दिल्ली की सातों सीटें जीत के आए हैं। दिल्ली की सातों सीट, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम दिल्ली वालों ने मोदी जी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। दूसरा, हम अपने विधानसभा के प्रत्याशी जो हमारे मनोज भैया, मनोज तिवारी जी, जीत कर तीसरी बार हैट्रिक लेकर आए हैं, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई। जनता ने, दिल्ली की जनता में से विधानसभा रोहतास नगर, जनता ने जो प्यार और प्रेम मनोज तिवारी भैया के लिए दिखाया, रोड शो 45 डिग्री टेम्परेचर में भी उन्होंने कभी रोड शो नहीं छोड़ा, उनके साथ गली गली घूमे और अपना समय दिया, और साथ में मनोज भैया ने भी उतना ही आश्वासन कि आगे आने वाली सरकार के समय पे मैं उनकी जो भी परेशानियां हैं वो सब पूरी करने की कोशिश करूंगा, दूर करने की कोशिश करूंगा। तो मनोज भैया, मनोज तिवारी भैया को बहुत बहुत बधाई और विधानसभा की तरफ से अनेकों शुभकामनाएं कि आपने जो हैट्रिक ली है, हमारा सीना भी गर्व से चढ़ा हो गया कि हमारे बीच में तीसरी बार आप प्रत्याशी चुन के आए, और भारी मतों से, 9000 वोटों से हमने जो जीता है अपना वार्ड, वो बहुत काबिले तारीफ है। तो हम अपने सबसे पहले यहाँ की जनता को, यहाँ के रहने वाले निवासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर वो वोट नहीं देते 45 डिग्री टेम्परेचर में आके, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मेरी महिला मोर्चा की टीम ने बहुत साथ दिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जहां भी बुलाया, जहां भी गए वो सब आए। दूसरी, तीसरी बात मैं कहूंगी, सुरभि तिवारी हमारी भाभी, मनोज तिवारी जी की धर्मपत्नी सुरभि तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमने पहली बार ऐसी एक धर्मपत्नी महिला नारी शक्ति देखी, जिन्होंने महिलाओं के बीच में आकर महिलाओं के साथ ड्राइंग रूम बैठक और महिलाओं के ही साथ कभी लंच शेयर करना, कभी नाश्ता शेयर करना और ड्राइंग रूम बैठक में सभी को प्रोत्साहित करना, और मनोज तिवारी भैया के लिए वोटों की अपील करना, और देश को एक कहते हैं ना गठबंधन, जैसे कहते हैं ना हम अपने बीच में जो प्रत्याशी चुनते हैं वो हमें बांध के रखता है, तो वो चीज उन्होंने लोगों तक पहुंचाई। और सबसे बड़ी बात तो वो वक्ता बहुत अच्छी है, वो बहुत प्यार से और बड़े कहते हैं ना सरल स्वभाव में लोगों तक अपनी बात पहुंचाती हैं। जो चीज हमने भी सीखी है उनके सानिध्य में रह के, उनके मार्गदर्शन में रह के हमने भी बहुत कुछ सीखा है। तो सुरभि तिवारी भाभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आगे आने वाले समय में उनका भी उज्ज्वल भविष्य हम चाहते हैं और उनके साथ हमेशा हम खड़े हैं। मीनाक्षी जी, बात करें 45 डिग्री टेम्परेचर रहा, कार्यकर्ताओं की जो एकजुटता हमने देखी वो क्या नाम है, काबिले तारीफ है, ये बहुत बड़ी बात है। 45 डिग्री टेम्परेचर में हम सब झुलस गए थे, पानी पी पी के और रोड पे चलना, और उस समय जबकि 12 बजे चरम सीमा पर गर्मी होती है, और इलेक्शन वाले दिन अगर कहें तो सबसे ज्यादा तेज गर्मी थी। सारा दिन हमारे कार्यकर्ता स्कूटर पे भाग भाग के वोटर्स को निकाल के ला रहे थे और वोट दिलवा रहे थे। वोट देना सबका अपना अधिकार है, वोट कोई भी किसी को भी दे सकता है, बट वोटर्स के वोट की कीमत हमारे कार्यकर्ताओं ने उस दिन समझाई लोगों को और लेकर आए, और भरी भारी मात्रा में 12 से 2 बजे के बीच में लंबी लंबी लाइनों में हमारे वोटर्स ने वोट दिया है। मीनाक्षी जी, अगर हम ये बात करें तो अगर मंडल की बात करें तो कितने मतों से हम लोग जीते? 9000 से ऊपर ही है, 9000 प्लस है, एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं, लेकिन 9000 मतों से हम बहुत अच्छे भारी मात्रा से जीते हैं, जिसके लिए हमारे नवीन शादरा के लिए तो मैं काफी जोरों से तालियां बजाऊंगी कि इतनी भारी मतों से मात्रा से मैं अगर गठबंधन ने कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है? नहीं, कोई नुकसान पहुंचाने की नहीं कोशिश करी है। गठबंधन क्या होता है, मोदी जी के समर्थन में है सब जी। आज अगर आप हमारे पासवान भाई साहब की बात सुनेंगे तो पासवान भाई साहब कहते हैं मैं तो मोदी का सेवक हूँ, मैं तो उनकी वीर सेना का एक हनुमान हूँ। तो हम भी तो उनकी सेना है, हम भी तो उनकी सेना में काम कर रहे हैं। मोदी जी के नाम पे मिला वोट या मनोज तिवारी जी के काम पे वोट मिला? देखिए, मनोज तिवारी जी ने भी बहुत अच्छे काम किए, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी सिग्नेचर ब्रिज बनाया है, केंद्रीय विद्यालय के लिए भी काम किया है, शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर उन्होंने बनाया है, उनके कामों को अगर गिनाना चाहें तो देखिए समय सीमा सब खत्म हो जाएगी, लेकिन वोट जो मिलता है वो हमारे देश को कौन चला रहा है उसके नाम पे मिलता है। 5 लाख का टारगेट था, 1.5 लाख वोटों से विजयी हुए, ये जो बीच में क्या नाम है कटौती हुई, वो कहाँ कमी रह गई? वो कटौती कहते हैं ना, चालबाज अपनी चाल खेल जाता है,
लेकिन शेर को हरा नहीं सकता, जंगल का शेर राजा तो राजा ही रहता है, तो वो राजा को नहीं हरा सकता। राजा ने अपनी चाल कहीं नहीं चली, जो चालबाज थे वो चाल चल के, कांग्रेस कहती है ना हम बहुत अच्छे मात्रा से जीते हैं, 99 वोट से जीतने का क्या मतलब होता है, आपको तो गठबंधन भी नहीं मिला, कुछ दिनों बाद ही आपका गठबंधन भी टूट गया, कुछ लोग बाहर निकल गए आपकी पार्टी से, तो आप क्या चाहते हैं, एक जगह आप आम आदमी को खड़ा करते हैं, एक जगह आप कांग्रेस खड़े हो जाते हैं, तो आपको तो यही नहीं पता आपका राजा कौन है। हमें लेकिन 400 का टारगेट तो नहीं पूरा होने दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम कहते हैं ना हम जीते तो एक वोट से जीते, चाहे 10 वोट से जीते, चाहे 400 नहीं पार कर पाए, जो कमी रह गई वो हम इस बार पूरी करेंगे और अगले इलेक्शन तक हम अपने आप को और मजबूत बनकर दिखाएंगे। अयोध्या तक हार गए, अयोध्या देखिए कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बोलना सही नहीं लगता, वो चीज हमारे मोदी जी आगे आने वाले के लिए तैयारी कर रहे हैं कि कहाँ कमी रह गई और किस तरीके से हारे हैं और क्यों हारे हैं उस चीज के लिए, क्योंकि कई लोग ना कहते हैं ना पैसा देख तमाशा देख, उसके बाद भी नहीं आ पाए सत्ता में, तो हम तो आज है ना सत्ता में, तो आगे हम वो भी संभाल लेंगे। वही मीनाक्षी जी, जिला नवीन शारदा का नाम रोशन किया हर्ष ममता जी ने, क्या बधाई क्या शुभकामना देंगे, और आप ही के मंडल, आप ही के। हाँ जी, मैं हर्ष मल्होत्रा भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे जिले से ही हमारा नाम रोशन हुआ है, हमारा गर्व से सीना चौड़ा हुआ है कि हमारे बीच में से हर्ष भैया को पहली बात तो सांसद का टिकट मिलके उन्होंने भारी मतों से उसको भी जीता और हमारे बीच में हम सबका नाम रोशन हो गया कि हमारे दो दो सांसद हमारे बीच में है। दूसरी बात, सरकार ने उनको केंद्र सरकार में केंद्र मंत्री बनाकर हमारे को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि हमारे बीच हमारे जिले का ही एक बंदा केंद्र में बैठा है, तो हमारे लिए तो इससे बड़ी गर्व की बात है नहीं। हर्ष भैया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी पूरी महिला मोर्चा की टीम आपके साथ है, आप जब कहेंगे जैसा कहेंगे वैसे हम सब आपके साथ खड़े हैं, आगे के लिए उज्जवल भविष्य के लिए आपकी हम कामना करते हैं। मैडम, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, विधानसभा की तैयारी शुरू है, तो अब तैयारी कर ली है, कमर कस ली है। हाँ जी, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसके बाद ही जब मनोज भैया ने हमसे बोला, मनोज तिवारी भैया ने बोला कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, हमने सिर्फ जीत लिया, कहते ना भगवान हमारे साथ था, हमें जिता के ले आया, लेकिन आगे आने वाले इलेक्शन के लिए हमने दूसरे दिन से तैयारी कर दिया, हमारी तैयारी पूरी है, खंड प्रमुखों की बैठक चल रही है, महिला मोर्चा की बैठक चल रही है, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, हम बैठे नहीं है कि हम सोचे एक महीना आराम करेंगे, पार्टियां करेंगे, पार्टियां करने वाले पार्टियां कर रही है, हमारे मोदी जी कहते हैं पार्टी क्यों करनी है, हमें तो और दुगना काम मिला है, तो हम दुगनी रफ्तार से काम कर रहे हैं, और वो नजर भी आ रहा है क्योंकि वेलकम वार्ड में पानी, पीने का पानी नहीं मिल रहा लोगों को जिसके लिए आप सड़कों पे उतरे। हाँ जी, उसके लिए हम सड़कों पे उतरे, हमने केजरीवाल जी से भी सवाल जवाब किया कि आपने 1000 रुपए देने का वादा किया था, आज महिलाओं को देते क्यों नहीं, आलीशान घर बना रखे हैं, उसको म्यूजियम बनाओ, लोगों के पास पैसा आए तो कम से कम सरकार का पैसा आए उसको देखने जाएगी, 1000 रुपए आप बांट नहीं सकते और वादे बड़े बड़े कर देते हो, तो वादे करने वाली सरकार तो हम चाहते नहीं है, हम मोदी सरकार चाहते हैं, आगे वाले इलेक्शन के लिए हमारी जोरदार तैयारी है और आगे वाले इलेक्शन में इससे भी ज्यादा मेहनत और भारी मत लाके आए लेकर आएंगे और दिखाएंगे। तो ये हमारे बीच में मीनाक्षी वसीत जी, जो कि मंडल अध्यक्ष है महिला मोर्चे के अंदर, वेलकम मंडल के अंदर। लोकसभा का परिणाम आ चुका है, दिल्ली विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है, पानी को लेकर के दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध प्रदर्शन जारी किया हुआ है, रोहतास नगर विधानसभा को पानी भी नहीं मिल रहा है, जितेंद्र महाजन जी ने अपना बयान भी जारी करा है कि अशोक नगर में पानी नहीं है, वेलकम में पानी नहीं है, रोहतास नगर में पानी नहीं है, पानी की लड़ाई है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत।